गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हम लोग पढ़े थे कि किसी बहुपद का शून्य दिया हुआ है तो उसका शेषफल ज्ञात करने के लिए आज हम भाग विधि द्वारा जांच करेंगे कि कोई बहुपद दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। भाग विधि से गुणनखंड की जांच करना। भाग विधि से दिखाएं, क्वेश्चन है कि भाग विधि से दिखाएं कि 2x + 3px 8xu - 4x² + 2x + 39 का गुणनखंड है तथा पुनः सत्यापित करें कि 2x + 3 का मूल मतलब x का मान px का शून्यक है। अब इसको हल करने के लिए पहले भाग देने की विधि हम देख लेते हैं। भाग विधि से 2x + 3 से इसमें भाग देंगे, 8x² - 4x² + 2x + 39 को, तो हम भाग देंगे 2x + 3। तो ये हो गया, इसका नियम है कि 2x + 3 से इसमें भाग देना है। तो हम इसके पहले पद में क्या चीज़ से गुणा करेंगे कि इसका पहला पद चला, मतलब 2x में क्या चीज़ से गुणा करेंगे कि 8x³ चला। तो 2x में हम 4 से गुना करेंगे, 4 × 8 होगा, और x में x² से गुना करेंगे तो x³ होगा। तो हम 4x² से गुना करेंगे 2x में तो आ जाएगा 8x³। तो 4x² से 2x में गुना करेंगे, इस सब में गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो 2x + 3 में 4x² से गुना किए तो 8x³ हो गया, और 3 में गुना किए 4x² से तो 4 × 3 = 12x² हो गया। अब भाग का नियम है कि चिन्ह चेंज किया जाता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिख दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दिए। तो ये दोनों बराबर है, चिन्ह अलग अलग है, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया। अब इधर वाला सब बच रहा है, दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे, 12 और 4 = 16x² हो गया, और 2x + 39। अब ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पर किए थे उसी तरह से यहाँ करना है। अब हमको -16x² लाना है। 2x में क्या चीज़ से गुणा करेंगे कि -16x² आएगा। तो 2x + 3 में 2x में हम -8x से गुना करेंगे तो 8 × 16 हो गया -16, और x में गुना होगा तो x², तो -8x से इसमें गुना किए तो -16x², और फिर -8x से 3 में गुना हुआ तो 8 × 3 = 24x² एक्स। चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर है, और चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस है प्लस है इसलिए कैंसिल हो गया, कट गया। और यहाँ पर 2x है और नीचे 24x है, दोनों प्लस है इसलिए जोड़ेंगे, 24 × 2 = 26x + 39 उतार दिए। अब हमको फिर 26x लाना है। 2x में क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 26x आएगा, तो 13 से गुना करेंगे, 13 × 2 = 26x आ गया, और 13 × 3 = 39 इसके बराबर आ गया, दोनों कट गया, चिन्ह चेंज किए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, उसके बाद दोनों कट गया, शेषफल जीरो आ गया। शेषफल जीरो है अर्थात 2x + 3 px का गुणनखंड है। शेषफल जीरो आने का अर्थ हुआ कि वह गुणनखंड, अगर जीरो नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो शेषफल जीरो आता है 2x + 3 px का गुणनखंड। अब हम शेषफल प्रमेय से इसका जांच करते हैं। तो 2x + 3 = 0 इसका मूल ज्ञात करेंगे तो x बराबर हो गया -3/2। 2x = -3 तो x = -3/2 हो गया, और x = -3/2 हम px जो बहुपद दिया हुआ है उसमें रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3/2 रखेंगे। तो p − 3/2 = 8, फिर -x के जगह पर -3/2 का क्यूब हो गया, -4x के जगह -3/2 का स्क्वायर हो गया, फिर +2 और x की जगह पर -3/2 और +39। और क्यूब इसका कहेंगे तो 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 = 27, और माइनस का क्यूब है तो माइनस रह जाएगा,
और दो का क्यूब दो गुने दो गुने दो बराबर आठ हो गया। फिर माइनस चार गुने तीन किया नौ बटे दो गुने की चार हो गया। फिर यहाँ पर दो गुने माइनस तीन बचा दो है तो दो दो कैंसिल हो गया, केवल तीन बच गया यहाँ 39 है। अब यहाँ चार चार कैंसिल हो गया, यहाँ आठ आठ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस 27 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 39। ये माइनस 27 माइनस 9 माइनस 3 को जोड़ेंगे तो माइनस 39 और ये प्लस 39 बराबर 0। इस प्रकार सत्यापित हुआ, इस तरह सिद्ध हो जाता है कि 2x प्लस 3 का मूल, मूल मतलब x का मान जो आया माइनस 3 बटे 2 का मूल px का शून्यक है। इस तरह से हम लोग ये कोई बहुपद में भाग दे करके हम पता करेंगे कि उसका शून्यक क्या है, शून्यक है कि गुणनखंड है कि नहीं है। थैंक यू।